साल का पहला खंड ग्रास सूर्य ग्रहण 21 जून को होगा। इस दौरान लखनऊ के तमाम मंदिर दोपहर तक बंद रहेंगे। सुबह करीब 10:30 बजे से शुरू होने वाला ग्रहण 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक रहेगा। सूतक 12 घंटे पहले यानी शनिवार की रात 10 बजे से लग जाएगा। सूतक के दौरान पूजा अर्चना वर्जित रहेंगी। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद रविवार को दोपहर 3 बजे से मंदिरों के कपाट खुलेंगे। मनकामेश्वर, हनुमान सेतु सहित शहर के अन्य चर्चित शिवालय, हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर सूतक के दौरान बंद रहेंगे। अलीगंज के ज्योतिषी AS नागपाल ने बताया कि 21 जून को लगने वाला साल का पहला सूर्य ग्रहण मृग राशि नक्षत्र में होगा। सूर्य ग्रहण के दिन 6 ग्रह शनि, गुरु, शुक्र, बुध वक्री होंगे। राहु केतु भी वक्री ही रहते हैं। सूर्य ग्रहण में 30 दिन के अंदर ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव के चलते पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, समुद्री तूफान, बाढ़ के अलावा सीमा पर तनाव हो सकता है। ग्रहण मेष, सिंह, कन्या और मकर के लिए शुभ कारक बताया जा रहा है, जबकि अन्य राशियों के जातकों के लिए इसका असर कष्टदायक हो। वहीं आचार्य प्रदीप ने बुधवार को बताया कि 21 जून को पड़ने वाला खंड ग्रास सूर्य ग्रहण 3 घंटे से भी अधिक समय तक रहेगा। काशी समय के अनुसार ग्रहण का स्पर्श सुबह 10:30 बजे से होगा, जबकि ग्रहण का मध्य दोपहर में 12:15 बजे और मोक्ष दोपहर 2:04 पर होगा। लखनऊ का समय कुछ बदला रहेगा। उन्होंने बताया सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ग्रहण का सूतक शनिवार की रात 10:30 बजे शुरू हो जाएगा। नागपाल ने बताया कि ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र के जाप के साथ भगवान शिव और विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। सूतक काल में देवी देवताओं की मूर्तियां न छुएं। सूतक काल से गर्भवती महिलाएं को कटाई सिलाई से बचना चाहिए। सूतक काल से पहले खाने पाने की वस्तु में तुलसी दल अवश्य डालें।